भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में भारत के कई जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पूरे देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। इसी क्रम में रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा चीनी राष्ट्रपति का तस्वीर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा, धोखे से भारतीय जवानों को सीमा पर मारा गया है, यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है। यदि चीन में इतना ही दम है तो एक भारतीय सेना से आमने सामने टकरा कर देखें, चीन को अपनी औकात पता चल जाएगी। वहीं भारत सरकार से मांग की गई है कि इसके बदले जवाबी कार्रवाई करे चीन। देखिए, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से वीर शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर, जो कल लद्दाख में हमारे देश के सैनिकों पर चुपके से हमला करने का काम करते हैं चीनी सैनिकों, हम लोग आज मांग करते हैं अगर चाइनीज के राष्ट्रपति में और वहाँ के सेनाओं में अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान का एक फौज से भिड़ कर देख ले। हिंदुस्तान का फौज अगर उन चाइनीज सैनिकों को अगर 20 सेना चीर दे तो कहना, अगर हिम्मत है तो सामने से हमला करो, पीठ के पीछे हमला करने का काम ले करें। आज हम देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी सेनाओं पर घुसकर हमला किया था, आज समय आ गया है। आज भारत 1965 का भारत नहीं है, आज 2020 का भारत है। तो चाइना को भी जवाब देना होगा, उसे घुसकर मारना होगा। आज हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और करीब 40-50 की संख्या में देश के जवान लापता है। आज हम लोग उन 20 शहीदों को सरदार सुमन अर्पित कर रहे, नमन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आक्रोश है उन पाकिस्तान चाइनीज जो सेनाओं है उसे जवाब देना होगा। आज इसी को लेकर हम लोग अलवर के चौक पर विरोध प्रदर्शन।